हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना आपके अपने व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त और खुशहाल होंगे, इसी कामना के साथ आपके अपने व्लॉग में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं बैग अपना रेडी कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज जो है वो अमावस है और श्राद्ध का अंतिम दिन है, तो हम लोगों को गंगा स्नान के लिए जाना था, क्योंकि जो श्राद्ध वो पक्ष है वो पूरा समाप्त होने वाला है, तो हमें गंगा स्नान के लिए जाना था। और चूँकि आज 2 अक्टूबर है तो छुट्टी भी पड़ गई थी, तो मुझे स्कूल के लिए जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ा, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा थी, गर्मी आज के दिन भी बहुत थी, तो सही टाइम पे जाएं वापस आ जाएं, इसलिए हम लोग जल्दी से रेडी हो रहे हैं। ये पैसे रख लो जरा, इसमें है तुम्हारे पास जेब में? और वो दक्षिणा भी रखनी होगी। तो बस मैं निकल रही हूँ क्योंकि लेट बहुत हो जाएगा, अभी 6 बज रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग वहाँ पर बैराज जाएंगे हम लोग, और फिर वहाँ से जल्दी से कर लें, क्योंकि हो सकता है आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर भी, तो मैं जल्दी से हम लोग निकल रहे हैं। तो तैयारी जितनी भी थी वो मैंने मॉर्निंग में ही की थी, क्योंकि शाम को मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। देखिए पतिदेव भी तैयार हैं जाने के लिए, बहुत थकान हो जाती है, तो रात को मैंने बैग रेडी नहीं किया था, जो भी रेडी करना था मॉर्निंग में ही किया मैंने, क्योंकि और उसके साथ दान वगैरह भी किया जाता है स्नान के बाद, तो वो भी मुझे रखना था, कहीं कुछ भी मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं अकेली ही थी और कोई साथ में होता है तो उनको भी चीज़ें याद रहती हैं। तो ये अब हम लोग बस बाहर ही निकल रहे हैं, और मम्मी बाहर तक छोड़ने आई थी, और ये देखिए अब क्योंकि हाफ पैंट में ही गए थे, उन्होंने कहा कि कंफर्टेबली नहा लूँगा, और ये मम्मी बाहर तक हम लोगों को छोड़ने आई थी। तो बस अब हम लोग निकलने के लिए पूरी तरह रेडी हैं, बस वहाँ पर स्नान अच्छे से हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी मुश्किल हुई थी, इतनी दिक्कतें हो रही थी, इतनी भीड़ थी और वहाँ बालू बहुत ज़्यादा थी। आई होप वहाँ पर सब अच्छा हो और अच्छे से स्नान वगैरह करके हम लोग वापस आ जाए। सुबह के अभी 6 ही बजे हैं और तब भी इतने, देखिए यहाँ पर जो है ट्रक वगैरह भी इतने हैवी लोडेड हैं निकल रहे थे, मतलब मॉर्निंग में भी ये हाल है, और आज स्कूल भी नहीं था तो, और बहुत ज़्यादा सुबह थी तो इतना सन्नाटा मिल गया रोड में, ये लग रहा था कि कहीं बहुत भीड़ ना हो जाए और देर ना हो जाए, लेकिन हम लोग जल्दी सही टाइम पे निकले थे। तो ये जो है कल्याणपुर का रोड है, तो बहुत आराम से मिल गया रास्ता, बिल्कुल खाली था, बस स्टार्टिंग में ही जो ट्रक वगैरह थे वो थी भीड़, लेकिन बाद में बिल्कुल ईजीली हम लोगों को रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर मिल गया। कल्याणपुर में ही बरगद चौराहा से यहाँ हम लोग ने टर्न कर लिया था, यहाँ से बिल्कुल इजीली और सीधी रोड पड़ जाती है, तो ये सीधा हम लोग वहाँ से टर्न करेंगे और ये दलहन वाली रोड में हम लोग आ गए। देखिए सूर्य भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं और मॉर्निंग में बहुत अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा सा डर लगा रहता है क्योंकि टर्न जो है यू टर्न जैसा है और काफ़ी टाइम बाद निकले हम लोग बाहर, तो एक्सीडेंट का थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, पर डरते मांजते हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। सुबह थी और बहुत मूड भी फ्रेश था और ठंडी हवा भी लग रही थी, और ये अब हम लोग जो है अटल घाट में,
जय हो। भीड़ बहुत है, यही सही लग रहा है ना? आगे से है क्या जीना? पता नहीं यार, सब नहा ही लेंगे जहाँ जहाँ। और क्या, ये अच्छा नहीं, गहरा पानी बहुत भरा था, पानी बह जाएगा, पानी लबालब भरा भी है ना, तो सही है, नहा लिया जाए। चलो जल्दी से रखें, निकालें। ओ मेरा बैग, वायर से मना करने के लिए ना। पतिदेव गुस्सा से मेरी फोटो एक भी नहीं। मानो तो कर लेंगे, लगता मना करने के लिए ना।
कृपया रस्सी को कोई पार न करे, बार बार समझाया जा रहा है, सेटरिंग मिस न करें। लोग मानते नहीं है। आपको समझाया जा रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। धूप बहुत तेज हो रही है। दल जी इधर बाहर आइए आप। स्नान वगैरह कर लिया है और अब हम लोग ने बहुत जल्दी कर लिया क्योंकि इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो हम लोग ने जल्दी से स्नान कर लिया। पिछली बार बहुत मुश्किल हुई थी तो इस बार थोड़ा अच्छा सा हो गया। थोड़ी देर में घर के लिए निकल जाएंगे। हो गया, वेरी गुड। चलो, अरे तो नौकरी तो करेंगे। आइए बढ़ा लेंगे, आइए बोलते तो बैठे। विजय समझो, विजय विजय हमारे दो दिव्यांगों भी कर सकते हैं। क्रॉसिंग से निकलने के बाद सीधा हम लोग ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई ताकि जल्दी हम लोग घर पहुंच सके, क्योंकि बहुत थकान लग रही थी और गर्म भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये लीजिए, हम लोग कल्याणपुर भी पहुंच गए और देखिए सब जगह अब, क्योंकि अब अगले दिन ही जो होता है नवरात्र शुरू हो रहे थे, तो यहाँ पर भी दुकानें बहुत अच्छी, माता रानी की भी लग गई थी। और ये जलेश्वर महाराज का मंदिर है और यहीं से हम लोग क्रॉस हो गए थे घर के लिए। और बस हम लोगों को ये लग रहा था कितनी देर में अब मैं पहुंच जाऊंगी घर, क्योंकि अब कल के लिए भी हम मुझे तैयारी करनी थी, जो करना था आज ही करना था। तो बस ये था कि ये आज का काम बहुत अच्छे से हो गया, स्नान बहुत अच्छे से हो गया, तो सोचा घर के लिए कुछ जलेबीज़ वगैरह ले लूँ ताकि सुबह का नाश्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत लगी थी,
बहुत देर में उसने जो है वो कह रहा था कि बहुत टाइम लगेगा आपको, कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। पति जी को तो गर्मी भी लग रही थी और गुस्सा बहुत तेज़ आ गया उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ से तो मना कर दिया और हम लोग सीधे निकल पड़े अब घर के लिए, क्योंकि अब उन्हें नहीं लेना था क्योंकि वेट काफ़ी देर कर रहे थे और वो कह रहा था अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और लोग पहले से ही खड़े थे वेट कर रहे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने फिर उस दिन चले दिया नहीं। तो पितृ विसर्जन का जो स्नान दान वगैरह था बहुत अच्छे से निपट गया और भगवान करे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम लोगों पर सदा बना रहे। कैसा लगा ये आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।